नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लॉकडाउन के दौरान गरीब गुरबा लोगों को सहायता पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इन सब के बीच उन्होंने एक ऐसे परिवार को मदद पहुंचाई जो कभी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और ये परिवार है बिहार के पूर्व सीएम स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री का। लॉकडाउन के दौरान इनका परिवार खाने के दाने दाने को मोहताज हो गया था। एक तरह से परिवार के सामने भूखमरी की स्थिति थी। तेजस्वी यादव को मीडिया के जरिए जब खबर मिली कि 60 के दशक में बिहार के सीएम रहे स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी का परिवार लॉकडाउन के दौरान दाने दाने को मोहताज है, तो फौरन उन्होंने उनके परिवार से न सिर्फ बात की बल्कि पर्याप्त राशन मुहैया कराया और भोला पासवान शास्त्री जी के परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दिया। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने बिहार के पूर्व सीएम भोला पासवान शास्त्री के परिवार से किस तरह से बात की और मदद मिलने के बाद उनके परिवार के लोगों ने क्या कुछ कहा। जी नमस्कार, तेजस्वी बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं ना, सुन सकते हैं ना मेरे को? जी जी भाई, आप लोगों का हम देखे स्थिति। हमारा प्रणाम आपको भी। भोला बाबू शास्त्री जी तो हम लोगों के पूरे प्रेरणा मिले हैं ना। हमारे हाथ से आप पर आया सर का। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हम लोग हैं, पूरा आप लोगों के साथ हैं। भोला तो आप भोला शास्त्री पासवान जी के क्या लगेंगे? क्या लगेंगे भोला जी, भोला बाबू के क्या लगेंगे? भतीजा थे सर। भतीजा लगेंगे? हम भतीजा हैं सर। अच्छा, उनको बेटा होता नहीं था, बेटा नहीं था उसको, बेटा नहीं देती कुछ नहीं, हमारे हाथ से उसका पटना ले गया हमको आरोप लगाने के लिए। अच्छा 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 अच्छा, नहीं हम लोग देखे कि स्थिति जो है आप लोगों की ठीक नहीं है, तो हमसे देखा नहीं गया। लालू जी, आदरणीय लालू जी, राष्ट्र अध्यक्ष जी निर्देश किए हैं कि आप लोगों को सहयोग किया जाए, मदद पहुंचाया जाए। लालू जी तो हम बोले, दिलीप बाबू को बोले, वहाँ जिला अध्यक्ष अपने हैं उनको बोले, सहयोग एकदम जो है आप लोगों का परिवार देखे हैं, तो आर्थिक मदद हम लोग पहुंचा रहे हैं आप लोगों को। 1 लाख रुपया है क्या? जिला अध्यक्ष जी कहाँ है? जिला अध्यक्ष कहाँ है? अच्छा ठीक ठीक, हम लोग है आप लोगों के साथ खड़े है। हम आएंगे पूर्णिया, आएंगे तो आपसे मुलाकात करेंगे। 1 लाख रुपया दिया है फिर अरे हम दे रहे हैं। लक्ष्मण बाबू भी दिया है, बाबू जी है, सब दिया है, सब आपके आ रहे हैं। अच्छा 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 ठीक है, हम आएंगे पूर्णिया ना, फिर कब तक मिलेगा हमसे? लॉकडाउन लॉकडाउन अभी तो खुल रहा है धीरे धीरे, थोड़ा स्थिति थोड़ा बेहतर हो जाए तो हम आएंगे। तकलीफ हुआ होगा लॉकडाउन में आप लोगों को? बड़ा तकलीफ हुआ होगा लॉकडाउन में? लॉकडाउन में तकलीफ हुआ होगा आपको? और सर हमने 300 400 रुपया महीना देता है, हमारा 70 वर्ष उम्र हो गया जी, पेंशन 400 रुपया पेंशन मिला चाहिए सर हमको। अच्छा नहीं मिलता है पूरा? पूरा नहीं मिल पाता है पेंशन, वृद्धा पेंशन बढ़ना चाहिए। नहीं ठीक है, आप लोग आशीर्वाद रहेंगे। अच्छा अच्छा, प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं ठीक ठीक ठीक, हम लोग ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे आपकी बात का, ध्यान रखेंगे हम। हम आएंगे पूर्णिया तो तारा से भेंट करें, मुलाकात करेंगे आपसे, आएंगे तो थोड़ा स्थिति बेहतर हो जाए,
तो हम आके मिलेंगे ठीक ना। ठीक है आइए सर। लॉकडाउन था तो हम किसी के मालूम हुआ किसी के ज्यादा को नेता को उसने वहाँ से अपने नेता को खबर दिया दिलीप बाबू को। दिलीप बाबू ने वहाँ से आकर अभी 1,00,000 रुपया बताओ परिवार के दिया है और अनाज भी दिया है। हालत का बहुत गंभीर था लेकिन कोई देखने वाला नहीं था लेकिन हम चावस करते हैं दादा जी के और दिलीप बाबू उसको कहा कि आप 1 रुपया भैया 1,00,000 रुपया दीजिए अदा कर। अच्छा।